नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मस्थली गोरखपुर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया, फरियादियों की समस्याएं सुनी और इस दौरान सीएम ने दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादियों की बारी बारी से फरियाद सुनी। साथ ही अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल की पारी संभालते ही लगातार जनता की समस्याओं को दूर करने का जिम्मा उठा लिया है और जब भी वो अपनी कर्मस्थली गोरखपुर जाते हैं तो वहां पे जनता दरबार जरूर लगाते हैं और वहां पे फरियादी अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, फरियाद लेकर आते हैं सीएम के पास और सीएम अधिकारियों को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी कहते हैं। इससे पहले भी जब सीएम योगी गोरखपुर गए थे तो जनता दरबार लगाया था और 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में ही है सीएम योगी, जिसके बाद उन्होंने आज एक बार फिर जनता दरबार लगाया है, जनता की समस्याओं को सुना है। कई तरह की समस्याएं फरियादी लेकर आते हैं सीएम के पास जब भी किसी अधिकारी द्वारा या तो उनकी सुनवाई नहीं होती है या न्याय नहीं मिलता है या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित तो होता है और इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं तो सीएम के पास गुहार लगाने फरियादी पहुंचते हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग भी पहुंचते हैं उनके पास इलाज के लिए, जिनकी मदद भी सीएम करते हुए नजर आए हैं और कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारी को निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए या फिर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और जब भी सीएम पहुंचते हैं गोरखपुर तो वहां पे जनता दरबार जरूर लगाते ताकि जनता की समस्याओं को सुन सके। अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर किसी अधिकारी की लापरवाही है तो जनता उसकी शिकायत लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आती है और तमाम दिक्कतों को दूर करने का जिम्मा उठाते नजर आते सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, आज भी गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, कितने फरियादी उनके दरबार में पहुंचे और किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाधान किया? बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 8 तारीख से गोरखपुर में रामनवमी और मंदिरों में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हुए हैं, गोरखनाथ मंदिर में। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ दिनचर्या के हिसाब से यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, जनता दर्शन का एक कार्यक्रम रखते हैं और इसी के साथ आज आपको बता दें कि 500 से ज्यादा लोग फरियादी आए, उन्होंने जनता दरबार में अपनी फरियाद रखी और सीएम योगी ने उनको आश्वस्त किया कि वो उनको निश्चिंत रहे, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और इसके साथ ही संबंधित अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसे जांच कर इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए और इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। जी, अगर बात करें सीएम के कार्यक्रम की तो आज कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के? सीएम योगी आदित्यनाथ रोज के दिनचर्या के हिसाब से सुबह उठते हैं, प्रातःकाल और गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं और गुरु गोरखनाथ के दर्शन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वैदिक उच्चारण के साथ जो है मंत्र उच्चारण होते हैं, उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्रातः ही अपना जो है उनका पूजन करते हैं गुरु की, इसके बाद अपने गुरु के समाधि पे जाते हैं अवैधनाथ के और अपने गुरु दादा के जो है उनके समाधि पे जाते हैं दिग्विजयनाथ के और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, शीश नवाते हैं और उसके बाद से ही आशीर्वाद प्राप्त करके जनता दरबार लगाते हैं। इसके बाद सीएम योगी को कई अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पे जो है समीक्षा व्यवस्था करनी है, बैठक करनी है और बैठकों का दौर चल ही रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इसमें स्वस्थ करना चाहते हैं। जैसे आपको बता दें कि आपको हर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी पीएससी है वहाँ पे भी 100 बेड का जो है हॉस्पिटल बनना है, वहाँ पे 100 बेडों के हॉस्पिटलों का इलाज करने के लिए लगना है और इस तरीके से तमाम योजनाएं हैं। गीजा में पड़ी हुई योजनाएं थी कि उसके लिए जमीन आवंटित करने की, उसके लिए मीटिंग चल रही है, समीक्षा बैठक चल रही है, अधिकारी मौजूद है, तो कई चीजें हैं और काफी कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में है तो जनता के बारे में काफी सोचते भी हैं और जिस तरह से जब फरियादी उनके पास फरियाद लेकर आते, जब भी गोरखपुर पहुंचते सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां पे फरियादी भी पहुंच जाते अपनी फरियाद लेके। तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने
दौरे पे लगातार बने रहते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर जाएंगे और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए यूपी भवन पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, जबकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है और इसकी चर्चा भी तेज है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि 11 सीटें खाली हैं और उनको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। उसमें से एक नाम सामने आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि इनको भी पद दिया जा सकता है, संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका निधन होने के बाद से ही या फिर उनका पदभार बदलने के बाद से ही वो स्थान रिक्त है जिसे भरा जा सकता है और उन्हीं नामों में एक नाम शामिल है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं थारव चंद्र गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी पद खाली है। तो 11 सदस्यों में से 4 की जल्दी घोषणा हो सकती है और इसी लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनको भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी कुछ साफ नहीं है कि इनको जिम्मेदारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से उनका दिल्ली दौरा माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात पे चर्चा जरूर होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जा सकते हैं और दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये पहला दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का और सीएम के दौरे को देखते हुए यूपी भवन पर फोर्स और कई केंद्रीय फोर्स तैनात कर दी गई है और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने की बात भी सामने आ रही है। तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि संसदीय बोर्ड का सीएम को कहीं ना कहीं सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, ये अभी सिर्फ चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अभी ये बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच में सीएम को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं। लेकिन ये एक बड़ी खबर जरूर है कि सीएम बनने के बाद जो दूसरा कार्यकाल संभाला है उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली जा रहे हैं, वहां केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता हासिल करी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक बार फिर चुनाव लड़ा और जीता है और एक बार और पहली बार विधायक भी बने हैं, विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा और जीता भी। तो इसको देखते हुए जिस तरह से सीटें हासिल करी उत्तर प्रदेश में तो उपहार स्वरूप एक बड़ा पद और भी मिल सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने की बात चल रही है, क्योंकि कई पद हैं जो खाली हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 3 और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। जल्द ही 4 लोगों के नाम की घोषणा हो सकती है, 11 सदस्य में से 4 के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं 11 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर भर्ती करनी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाए जाने की बात तेज हो गई है जब से उनका दिल्ली दौरा की खबर सामने आई है। तो दिल्ली दौरे की खबर ये सामने आ रही है और सीएम दूसरी पारी संभालने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं आज। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी भवन पर फोर्स तैनात कर दी गई है सीएम के दौरे को देखते हुए, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। तो दूसरा कार्यकाल काफी अहम है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि 37 साल का जो इतिहास है उसको बदल दिया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है दोबारा से सत्ता में वापस आके और जिस तरह से भारी टक्कर देते हुए ये सत्ता संभाली उत्तर प्रदेश के, एक सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश उसकी सत्ता संभाली है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और जैसा प्रदर्शन रहा है यूपी चुनाव में उसको देखते हुए केंद्र द्वारा ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि संसदीय बोर्ड का उन्हें सदस्य बनाया जा सकता है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिल सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ को? जी शिखा, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली दफा दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें संगठन के बड़े
पदाधिकारी साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात उनकी हो सकती है। शिखा आपको बता दें कि आज के बैठक का उद्देश्य ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्हें कैबिनेट में जगह मिल गई, जल शक्ति उन्हें मंत्रालय मिला है, तो जो आगे का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश का साथ ही साथ उपाध्यक्ष होगा और 75 जिलों के जो जिलाध्यक्षों के फिर से नियुक्त करने की बात कही जा रही है, इस पर मुहर लग सकती है। और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू की जा सकती है, ये माना जा रहा है। जी जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कई मंत्रालय हैं, अब संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया जाएगा, कई जिम्मेदारी दी जा रही है, यूपी का मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया है, तो जो इतनी जिम्मेदारी दी जा रही है तो उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं, जनता के बीच क्या छवि बनेगी? जी आपको बता दें कि बीजेपी के संसदीय दल के सदस्य में 11 लोग होते हैं जिसमें 4 सदस्य काफी समय से खाली है। दिग्वंत अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के निधन के बाद 2 सीटें खाली हुई। वहीं आपको बता दें कि देश के उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहले संसदीय सदस्य हुआ करते थे, तो आमतौर पे जो सदस्य इसमें सक्रिय रहता है और जिसके दम पे पार्टी जनाधार पैदा करती है उसको संसदीय जो मेन बॉडी होती है उसमें रखा जाता है, उसमें योगी आदित्यनाथ को रखा जा रहा है। जिस 4 सदस्य अभी फिलहाल रिक्त है उसमें से 1 सदस्य के तौर पर योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है और आगे की रणनीति को लेकर आज दिल्ली में चर्चा हो सकती है। और संसदीय बोर्ड की बैठक में ये भी तय हो जाएगा कि कौन आगे लोग होंगे जो संसदीय बोर्ड का हिस्सा होंगे। जैसिका जी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के काम और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज करी उसको देखते हुए ये उपहार दिया जा सकता है, सीएम को संसदीय बोर्ड का सदस्य तो बनाया जा सकता है, बाकी और कौन से 3 लोग हैं जिनका नाम इस रेस में आगे चल रहा है? जैसिका आपको बता दें कि अगर माना जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो की बीजेपी उत्तराखंड से पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, साथ ही साथ ऐसे कई बुजुर्ग नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दशकों से काम कर रहे हैं और पार्टी का जनाधार बनाने में उनका हर एक मुमकिन प्रयास सफल हुआ है, उनको सदस्य बनाया जा सकता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो बीजेपी के पुराने सक्रिय नेता होते हैं और जो संगठन के बड़े चेहरे होते हैं उन्हें संसदीय बोर्ड में रखा जाता है। अभी तो ये साफ हो पाया है कि सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनको संसदीय बोर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है और आगे के 3 नामों की घोषणा भी जल्द होगी। जी, तो एक युवा चेहरे को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है जिसमें कई वरिष्ठ चेहरे होते हैं। वहीं अगर बात करी जाए दौरे की तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के अगर दौरे की बात की जाए तो आज सुबह मुख्यमंत्री गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे जिसमें दूर दराज से आए फरियादी उनसे अपनी समस्याओं को निदान को लेकर मिलेंगे और जिसके बाद वहां से निकलकर और वो गोरखनाथ मंदिर में आज के जनता दरबार के बाद वो दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक में जाएंगे, फिर वहां से दिल्ली के ही अंदर में तमाम केंद्रीय मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे जहां उन्हें संसदीय सदस्य का आज उन्हें नियुक्त भी किया जा सकता है सदस्य, साथ ही साथ आगे की रणनीति और जो संगठन में नई पदे हैं जो चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मा तो उस पे भी उनका विचार जाना जा सकता है और संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी उनसे उनका राय लेंगे कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बॉडी है जो भी पद है जो भंग करने के बाद विधानसभा चुनाव के बाद भंग हुए हैं उस पे नए लोगों को जो नियुक्त किया जाएगा उस पे भी इनकी भी मुख्यमंत्री की भी हामी ली जाएगी। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पर दिल्ली आज जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद ये पहला दौरा है जो कि काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे हैं और हमेशा वरिष्ठ चेहरों को ही जगह दी जाती है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि एक युवा चेहरा है उनको भी जगह मिल सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड 11 अप्रैल को खत्म हो रही है, जिसके बाद आज एटीएस उसे कोर्ट में पेश कर अब तक के सबूतों का हवाला देकर रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि कोर्ट में पेश करने के बाद ही पता चलेगा कि एटीएस रिमांड की मांग करती है या फिर मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है।
तो गोरखपुर कोर्ट में आज मुर्तजा की पेशी होगी। मुर्तजा अब्बासी मामले से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां 11 अप्रैल को रिमांड उसकी पूरी हो रही है, यानी कि आज रिमांड पूरी हो रही है। और इसको देखते हुए जितने भी गवाह और सबूत हैं उनका हवाला देकर UPATS कोर्ट में सभी सबूतों को पेश करेगी मुर्तजा को, और रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। और कोर्ट में पेश करने के बाद ही पता चलेगा कि ATS रिमांड की मांग करती है या फिर मुर्तजा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। इस मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, मुर्तजा मामले में क्या कुछ नई अपडेट सामने आई है? आज उसकी रिमांड पूरी हो रही है तो क्या कुछ कदम उठा सकती है ATS? आपको बता दें कि ATS जो है पूरी तरह से लगी हुई है, इसमें पूछताछ कर रही है और जायज है कि कड़ियों से कड़ियों को जोड़ रही है और कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े खुलासे होने हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कड़ियों को जोड़ नहीं पाई है ATS। तो और सुराग उनको चाहिए कि और सुराग उनके हाथ लग जाए, और पूछताछ करना चाहती है, और ना उनको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं कुछ बड़े खुलासे वो कर सकती है, कुछ बड़े चीजों को पा सकती है, कहीं ना कहीं ऐसा लीक पा सकती है। जो स्लीपर सेल यहाँ पे सक्रिय रहे हैं इंडिया में, उनको कहीं ना कहीं वो खोल सकती है। ऐसे में आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी मुर्तजा की, तो उसको गोरखपुर लाना था। गोरखपुर 10 बजे तक पुलिस पहुंच चुकी थी, ATS ने भारी सुरक्षा बल के बीच जो है बंदोबस्त के कोर्ट में पहुंची है और वहां ले जाकर के उसको पेश किया है, और वहां अपने पक्ष को रख रही है ताकि उसको और रिमांड के लिए समय मिल जाए और उसकी रिमांड मिल जाए। जी, अगर बात करें दस्तावेजों की और जो भी सबूत हाथ लगे हैं ATS के, तो उनको भी पेश करा जाएगा कोर्ट में, और किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी? आप मुझे सुन पा रहे हैं हिमांशु? जी, प्रश्न दोहराएं। जी, तो जिस तरह से जो भी सबूत हाथ लगे हैं UPATS के, जो भी संदिग्ध दस्तावेज और सामान मिला है, जितने भी वीडियोस मिले हैं, तो उन सभी को आधार बना के जिस तरह से ऐसा माना जा रहा है कि जो रिमांड है उसको आगे बढ़ाने की मांग कर सकता है ATS, और अगर रिमांड मिल जाती है तो किस तरह से आगे की कार्यवाही होगी? बिल्कुल, जितने भी वीडियो मिले हैं और कॉल डिटेल सबसे बड़ा मायने रखता है कि कॉल डिटेल के आधार पे और उसके बैंक से जो भी अन्य खाते हैं जिनको बोलने में अभी ATS पूरी तरह से हिचकिचा रही है, तो ऐसे में हम बता दें कि कहीं ना कहीं ATS इन सब चीजों को, तथ्यों को और सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी और CGM फर्स्ट के कोर्ट में पेश होना है उसको। और ऐसे में बता दें कि CGM फर्स्ट के कोर्ट में पेश होते ही अपने दस्तावेजों को रख करके कहीं ना कहीं मुर्तजा के खिलाफ वो कस्टडी रिमांड और बढ़ाना चाहेगी, मांगेगी कि, और इसमें देखना ये है कि क्या कस्टडी रिमांड देते हैं ATS के सबूतों के आधार पे, अगर मिल जाता है तो कुछ ना कुछ बड़े खुलासे होंगे। जी हिमांशु, अगर न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को भेज दिया जाता है जेल, तो क्या आगे की छानबीन में और जांच करने में किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है UPATS को? जी बिल्कुल, क्योंकि ATS पूरी तरह से लगी हुई है, काफी चेहरे और काफी नाम इसके सामने आए हैं। आपको बता दें फंडिंग भी जो नेपाल से की गई हुई है वो भी सामने आई है, टेरर फंडिंग है, इसमें एसआईटी वगैरह को भी लिया गया है कि उनको भी कहीं ना कहीं दिया गया है। 2015 से 2017 के बीच में फंडिंग की गई है, इसके पूरे खातों को सील कर दिया गया ताकि कहीं ना कहीं ये ट्रांजेक्शन ना हो सके या कुछ ऐसा हेर फेर ना हो सके। इस तरीके से है सीरिया बम ब्लास्ट के, और सीरिया में किसी युवक और एक युवती से भी इसका जो है बात होता था, तो मुर्तजा की बात हमेशा होती रहती थी, जुड़ा हुआ था, और सीरिया में भी इसने जो है फंडिंग की हुई थी। तो इस तथ्यों को और इस कॉल डिटेल के आधार पे ही पुलिस जो है ATS जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। हिमांशु, अगर बात करें पारिवारिक संबंधों की और जुड़ाव की, तो क्या वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ था या फिर जब वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हुआ तो उसने अपने परिवार से दूरी बना ली? देखिए, आपको बता दें कि वो परिवार से जुड़ा हुआ था। आपको ऐसे बता दें कि ATS जो है 2 तारीख को उसके घर पहुंची हुई थी, जहां पे सादिन पहुंची थी, LIC के एजेंट के रूप में पहुंचे थे, लेकिन वहां पिस्टल देख, ATS का कहना है कि पिस्टल घुसा हुआ था, और उनको देख करके उन्हें समझ में आ गया कि ये एक पुलिस के अधिकारी हैं और ये कहीं ना कहीं एक जुड़े हुए हैं पुलिस विभाग से। तो उसको जो है कॉल किया गया है, उसको फोटो भेजी गई है, उस समय ये पुलिस लाइन पहुंचा है, पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस के पास एक खड़ा हुआ है, वहां से खड़ा होने के बाद उसने जो है उसकी छानबीन की है, पता लगाया है, तो पता चला है कि ATS के कुछ अधिकारी हैं। इसके बाद से वो वहां से पहुंचता है अपने घर, वहां सामान उठाता है, अपने मोबाइल को सिम को फेंक देता है, और फिर वहां से बस स्टेशन पे जाता है, 1700 में एक बोलेरो बुक करके बॉर्डर पे जाता है, नेपाल निकल जाता है। इसके बाद वहां से उसका संपर्क नहीं होता, जिससे मिलना होता है, तो फिर वो वापस आता है,
आने के बाद एक मदरसे में रुकता है, मदरसे में रुकने के बाद वो वापस आता है, टेम्पो बुक करके गोरखनाथ मंदिर तक आता है 1700-1800 रुपए में, और उसके बाद इन सब तथ्यों पे उनके ड्राइवरों से भी बात की है एटीएस ने, और वहां से आने के बाद दूसरी ऑटो बुक करता है, गोरखनाथ मंदिर तक आता है। हालांकि पहला वाला ऑटो जो है जो सिद्धार्थनगर से आया था वो सीधी सी बात है कि उसको बरगदवा उतार दिया था, वहां से वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है। गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद अचानक ही वो पुलिस वालों पर हमला कर देता है। हालांकि मुर्तुजा का ये भी कहना है कि वो नहीं जानता था कि वो मुख्य मंदिर का गेट है और मुख्य मंदिर अभी अंदर है, वो अंदर जाने के चक्कर में था, उसको ये लगता था, उसने कहा था कि मंदिर के अंदर जाकर हमला करना चाहता था, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो हाथ में नहीं आया, मुझे गेट को ही मैं मंदिर समझ बैठा था। जी, यानी इन सब पूरे मामले में उसके परिवार से जुड़ाव रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के संपर्क में भी था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए थे। तो मुर्तजा मामले में ये आज फैसला हो सकता है कि रिमांड उसकी बढ़ाई जाएगी या फिर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे कोर्ट ले जाया जा रहा है पेश करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।